हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ड्रीम टीम्स फैंटेसी प्लेयर चंद में। तो गाइस बात करेंगे आज जो यहाँ पे सेकंड मैच खेला जाएगा सीपीएल का, तीन मैच आज टोटल खेलेंगे। खैर दूसरे दिन मॉर्निंग में आ जाता, कल की डेट में आ जाएगा, ठीक है। गुयाना और जमैका का जो मैच खेला जाएगा इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्या क्या हमारी ग्रैंड लीग फिक्सेस में रहने वाले, कैसे आप प्लेयर्स को यूज करोगे फर्स्ट इनिंग में सेकंड इनिंग में, तो वो सब कुछ आपको इस वीडियो में पूरा पता चलेगा। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज 10 से 12 15 मिनट की जो भी वीडियो बने पूरी देख लेना, कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाओगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर टोटल ग्रैंड लीग का कंटेंट चल रहा है। क्योंकि ग्रैंड लीग के लिए आपका माइंड चलाना जरूरी होता है, कैसे किस दिन आपका माइंड अच्छे मतलब राइट वे में काम करेगा ना, उस दिन आपकी ग्रैंड लीग बन जाएगी। इससे पहले यहाँ पे श्रीलंका और यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका मैच खेला जाएगा उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुका हूँ, अगर नहीं देखे तो देख लेना, ऊपर आई बटन में आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। काफी कुछ उसमें एनालिस करके आपको बताया, उम्मीद करता हूँ काफी हेल्प मिलेगी आपको उस वीडियो से। उसके बाद यहाँ पे जो पहला मैच खेला जाएगा बारबाडोस और एसएलके का, इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर दे चुका हूँ, ठीक है। अगर नहीं देखी हो उसको भी देखना, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, वीडियो के एंड में भी आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं यहाँ पे गुयाना और जमैका का, क्या क्या मतलब इस मैच में हो सकता है, सब कुछ ध्यान से थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे ना जब चीजों को आप सुनते हो आपका फायदा तभी होता है, खाली टीम देख के जाने से कोई फायदा नहीं होता। और मैं टीम्स आपको खाली देता भी नहीं हूँ, पूरा एनालिस करके आपको बताता हूँ। जो लोग वीडियो पूरा देखते हैं उम्मीद करता हूँ उनको हेल्प अच्छी मिलती होगी। जमैका की बात करें सबसे पहले भाई, इनके लिए बात होती है कि मैच मेन इंपॉर्टेंट किसके लिए है, ठीक है, किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है। गुयाना की टीम की बात करें, बिल्कुल सेफ टीम है, कोई टेंशन नहीं है, हार भी जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, 9 में से 5 मैच जीत के आ रही है। और जमैका की बात करें 9 में से 4 मैच जीत के अपने आ रही है, ठीक है। और आज का मैच इनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है मगर मुझे लगता नहीं है जमैका वॉन कर पाएगी। उसका रीजन क्यों, क्योंकि यहाँ पे जमैका को आज ये समझ लो अगर पहले बैटिंग करती है तो इनको 200 प्लस रन बनाने पड़ेंगे, ठीक है, पहले बैटिंग करेगी 200 रन प्लस रन बनाने पड़ेंगे, और जमैका को मैक्सिमम 100 रन के अंदर आउट करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है, आप खुद सोच सकते हो, नहीं हो सकता, ठीक है। ये रन अगर पहले टीम बैटिंग करेगी, और ये टॉस जीते ना पहले बैटिंग ही करेंगे, पहले बैटिंग करते हुए ना और कुछ होना हो ये तो कम से कम 70-80-90 रन ऑल आउट ना हो जाए, ठीक है, ये हो सकता है इनके साथ, क्योंकि रन मारने के चक्कर में ये निकल लेंगे जल्दी अगर पहले बैटिंग करेंगे तो, ठीक है, पहले बैटिंग करेंगे, क्योंकि गुयाना वाले टॉस देंगे पहले बॉलिंग लेंगे तो इनकी बैटिंग आनी है, अगर ये टॉस देंगे तो पहले बैटिंग लेंगे, तो ये तो बैटिंग मुझे लगता जाता है कंफर्म करने वाले हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट, और एसएलके का जो खतरा है ना वो जमैका से ही है। अगर एसएलके आज अपना मैच हार जाती है, 10वां मैच अगर अपना हार जाती है कम रन रेट से, मतलब जो चीज हम जमैका वाले इनसे चाह रहे हैं वो चीज अगर एसएलके वाले दे दे, यानी 100 रन से नीचे ऑल आउट हो गए और उनको जो है सामने वाली जो टीम जीतेगी उनको जो है ये मान लो 6 से 7 या 8 ओवर मैच जितवा दे तो जमैका को फायदा होगा, और साथ में इनको भी रन से यहाँ पर चकासे मार के जीतना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है जमैका के लिए इंपॉर्टेंट मैच जरूर है, मगर लगता नहीं है परफॉर्मेंस की आज इनकी जीत पाएगी, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, और गाइस एक चीज ध्यान रखना, मैं दोनों प्लेयर्स की प्लेइंग 11 के साथ साथ आपको बताऊंगा कि फर्स्ट इनिंग में कौन सा बेस्ट रहेगा, सेकंड इनिंग में कौन सा बेस्ट रहेगा, एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन किसको अपनी टीम में कैसे ट्राई कर सकते हो, तो उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, तब आप सही से अपना माइंड सेट कर पाओगे कि आपको किस प्लेयर के साथ कैसे जाना है, ठीक है। उससे पहले फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, क्योंकि हमारे चैनल पर आपका ग्रैंड लीग का कंटेंट जो मेन आपको मिलता है किसी और चैनल पर देखने के लिए नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलिए बाकी फ्रेंड अगर इंस्टाग्राम पर हो तो भाई फॉलो जरूर करना, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता, फ्री सेवा है, ठीक है। और गाइस एक चीज और, अगर आप लोग बैट बॉल 11 विजल 1 पे अब तक नहीं जुड़े हो, ठीक है, जुड़ जाओ, सबसे अच्छी ऐप है, लेटेस्ट में भी देखा जाए सबसे बेस्ट कहने के लिए बैट बॉल 11 विजल 11 दोनों की दोनों अच्छी ऐप है, लिंक नीचे का दोनों डिस्क्रिप्शन मिलेगा, साथ में रेफरल कोड चंद123 जरूर यूज करना, क्योंकि यहाँ पर एंट्री फीस बहुत कम है, आप किसी अदर ऐप के खाली यार कुछ नहीं करना ना, केवल बस मैच करने के लिए एक बार डाउनलोड करके देख लो अगर अच्छी लगे ना, क्योंकि एंट्री फीस का मामला बहुत अच्छा है इसमें, खेल के देखो आपको पता चलेगा। चलिए बात करते हैं ब्रेंडन किंग और यहाँ पे हेटमेन, दो ऑप्शन आपके पास है, सॉरी ब्रेंडन किंग और हेमराज, ये दोनों आज के लिए आपके मेरे हिसाब से ज्यादा मिलते हैं, टीम इनकी फर्स्ट इनिंग करे या बैटिंग यानी सेकंड इनिंग करे, दोनों में बेटर रहने वाले दोनों प्लेयर, और स्पेशली तब जब इनकी टीम बाद में बैटिंग करेगी, बाद में चेजिंग करने उतरेंगे, तो ब्रेंडन किंग और हेमराज दोनों की दोनों काफी अच्छी चॉइस रहने वाली है। अगर इनकी टीम बाद में बैटिंग करती है, पहले बैटिंग करती है, तो आप यहाँ पे ब्रेंडन किंग को ड्रॉप अपनी टीम से जरूर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ब्रेंडन किंग को ड्रॉप करने के बाद या तो हेटमेयर या मलिक, दोनों में से किसी एक को जरूर ट्राई करना, और इस सिचुएशन में आपके पास विकेट कीपर में 3 चॉइस है, लेनी आपको 3 में से 1 ही है, सारे नहीं चलने वाले, एक भी नहीं, एक चलेगा बस, ठीक है, निकोलस पुरन या केनर लेबिस या फिर आपका ब्रैम्बले। ब्रैम्बले को तो भाई मैं चलो अपनी प्लेइंग 11 से ही गायब भी कर देता हूँ, गायब है, ठीक है, ये हमारे इसकी तरफ देखना भी नहीं है, ठीक है। अब कंपटीशन आपका रहा है केनर लेबिस और यहाँ पे निकोलस पुरन, दो प्लेयर आपके पास ऐसे हैं, अगर यहाँ पे गुयाना की टीम पहले बैटिंग करेगी, ब्रेंडन किंग को ड्रॉप करना, निकोलस पुरन को अपनी टीम में जरूर ट्राई करना, ठीक है। उसके बाद जमैका अगर पहले बैटिंग करती है तो केवल केनर लेबिस के साथ आप टीम में उतर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्वयं मलिक है,
निकोलस पुरन है, जैसे मैंने आपको बता दिया यहाँ तक इनके बारे में। आर सिपट है भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता है, क्योंकि भाई बैटिंग के लिए भी आए ना आए ठीक ठाक टाइम पर, यह है कि बॉलिंग आपको विकेट निकाल के दे सकता है, अगर स्पेशली जब इनकी टीम पहले बॉलिंग करे तब, अगर बाद में बैटिंग करेगी तो भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ओडियन स्मिथ ठीक है, लास्ट मैच में अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको देखे गया, 3 विकेट आई थिंक लेके गया। ठीक है, तो ये मत देखने कि भाई पिछली परफॉर्मेंस अच्छी दे गया, इसलिए मैं आपको कैप्टन बनाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। एक तो गोयना की टीम बिल्कुल सेफ है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ओडियन स्मिथ आपने एक भी नहीं दो आई थिंक दो मैचों में आपने देख लिया होगा वन डाउन उतर गया है। ठीक है, और दोनों बार फ्लो भी गया है, ऐसी बात नहीं कि चल रहा है, फ्लो भी गया है। ठीक है, तो हो सकता है आज के मैच में जैसे इनकी टीम सेफ है ये खेलने के लिए टॉप ऑर्डर में उतर सकता है, हो सकता है ओपनिंग कर ले या फिर वन डाउन आ जाए और साथ में अपने कोटे के 4 ओवर तो करेगा ही। ठीक है, तो दोनों तरह से पॉइंट देने वाला प्लेयर है, आज कुछ टीम्स में कैप्टन जरूर ट्राई करना, इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद नवीन उलक है, ताहिर है, जी मोटी है। ठीक है, इन दोनों की भी एक जोड़ी बना लो। ठीक है, इनके बारे में आगे तो मैं आप बताऊंगा कैसे यूज करना है इनको तीनों को। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं जमैका की तरफ से। केनल एविस है, मैकेंजी है, हैदर अली है, रमन पवेल है, समरा ब्रुक है। ठीक है, ये यहां तक के इंपॉर्टेंट जो बैट्समैन में रहने वाले हैं, बैट्समैन और विकेट कीपर सब में रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रसल है, ब्रैथवेट है, इमाद वसीम है, ग्रीन है, पेट्रियस है और यहाँ पर परमोल है। ठीक है, ये आपके बॉलर्स में आ गए। अब यहाँ पर गाइस देखना क्या है, अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करे, जमैका की टीम पहले बैटिंग करती है तो आप यहां से केवल केनर लेविस, ठीक है, विकेट कीपर में केनर लेविस को लेके अपनी टीम में चलना, मैकेंजी को ड्रॉप करके चलोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि भाई इस बंदे को आप केनर लेविस को चला रहे हो और आपने कैप्टन बनाया। ठीक है, तो यहां से मैकेंजी का कोई काम नहीं बनता। ठीक है, 10-15 एक रन मारे पर 10-15-20 रन मार के चला जाएगा। ठीक है, सेम सिचुएशन हैदर अली काफी इंपॉर्टेंट बनेगा आज के मैच में, क्योंकि भाई सबसे पहले मैच में चला था, उसके बाद आज आखिरी मैच है, क्या पता आज चली जाए। ठीक है, उम्मीद लगाई आज काफी ज्यादा हैदर अली से, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो हैदर अली काफी अच्छी चॉइस आज के लिए मैच के लिए हो सकती है। रमन पवेल और समरा ब्रुक, अब एक टीम में आपको रमन पवेल को रखना है, ठीक है, एक टीम में समरा ब्रुक को रखना है, बस यही करना है और कुछ नहीं करना। दोनों को एक साथ रख के मुझे नहीं लगता आपका कोई फायदा होने वाला है किसी भी हाल में। ठीक है, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, सेकंड इनिंग में तो खास तौर फर्स्ट इनिंग में तो थोड़ा बहुत फायदा करा भी सकता है, बट सेकंड इनिंग में बिल्कुल नहीं कराने वाले। ठीक है, एंडरसन लास्ट मैच का फ्लॉप प्लेयर है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, स्पेशली तब जब इनकी टीम पहले बैटिंग करेगी। उसके बाद कार्लोस ब्रैथवेट, 4 ओवर भी कर रहा बंदा भाई, अब तो स्टार्ट कर दिया ओवर करने। ठीक है, टीम चाहे इनको प्रमोट कर सकती है, ऊपर ला सकती है, अगर ऊपर खेलने के लिए बंदा आ गया तो भाई ध्यान रखना 30-35 रन का स्कोर ना ये बंदा आपको करके दे जाएगा आज। ठीक है, प्लस साथ में विकेट क्या नाम है, बॉलिंग तो करेगा ही, कुछ ना कुछ तो करेगा बॉलिंग में भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रिटोरियस और यहाँ पे परमोल, अब दोनों की चॉइस आपको कैसे ट्राई करनी है। देखो, अगर यहाँ पे ग्वाने की टीम पहले बैटिंग करती है, ग्वाने की टीम पहले बैटिंग करेगी तो आपको करना कुछ नहीं है, आप जैसे हेमराज को अपनी टीम में रख रहे हो या फिर ब्रेंडन किंग को रख रहे हो, किसी एक को आप रख रहे हो, यानी एक को आप यहाँ पर आउट करा रहे हो। उसके बाद हेटमेयर और स्वयं मलिक, दोनों में से किसी एक को रखोगे, ठीक है, एक को आप आउट कर रहे हो, जिस टीम में इनको करोगे उस टीम में इन प्लेयर्स को आपको दोनों को स्वैप कर लेना है। ठीक है, एक में परमोल रखना है, एक में प्रोटेरियस रखना है, हो सकता है 2 विकेट एक को मिल जाए या फिर हो सकता है दोनों को एक एक विकेट मिले। ठीक है, एक टीम में एक को रखना है, एक टीम में एक को रखना है, बस यही करना है, और ज्यादा मुझे लगता नहीं आज जो ये चाह रहे हैं वो हो पाएगा। ठीक है, पॉसिबल नहीं लगता, बाकी फिर भी दिखता ग्वाने की टीम फिर भी देखा जाए तो काफी सेफ है। ठीक है, क्रिस ग्रीन की तरफ भाई मैं तो आज देखने वाला भी नहीं हूं, आपको देखना, आप लोग देख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये है टोटल दोनों टीम्स का एनालिस्ट। उम्मीद कर चुका हूं कि आपको पता चलिया होगा कैसे आपको अपनी टीम्स में प्लेयर्स ट्राई करना है, फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में, पूरा डिटेल में सही बताया। अगर समझ में आया तो भाई कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई मैं आपको कमेंट में दे दूंगा कि भाई और कोई चीज रहेगी, कोई मिस होगी कि भाई किसको कब रखना है, पर एक क्वेश्चन लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप कह दो कि भाई क्या नाम है ये जो ब्रैम्बली है कि भाई ब्रैम्बली को टीम में ट्राई कर सकते हैं, अब भाई कौन पूछता है ऐसे सवाल यार। ठीक है, तो क्वेश्चन लॉजिकल होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंडी के लिए प्लेयर, जैसे आपको बताया हेमराज हो गए, ब्रेंडन किंग हो गए, और यहाँ पर आपका आर सिपट हो गए, ओडेन स्मिथ हो गए, और यहाँ से हाँ इनका तो मैं बताने भूल गया आपको, इनकी जोड़ी, अरे वो आपको वैसे भी आता है। ठीक है, इनकी टीम अगर जमैका की टीम पहले बैटिंग करती है, ठीक है, जमैका की टीम आपके पहले बैटिंग करवा रहे हो और जिस टीम में आप इन टॉप ऑर्डर को फ्लॉप करा रहे हो, ठीक है, टॉप ऑर्डर को फ्लॉप करा रहे हो, तो आपकी टीम में ये तीनों होने कंपलसरी है। ठीक है, ये तीनों होने जरूरी है। अगर आप कैप्टन अपनी टीम में कैप्टन बना रहे हो केनल लेविस को, ठीक है, उस टीम में आपको कुछ नहीं करना है, यहां से इमरान ताहिर को मेरे हिसाब से निकाल लेना टीम से। ठीक है, इमरान ताहिर को तभी निकालना जब जिस टीम में आप इनको कैप्टन बनाओगे। ठीक है, ध्यान से सोचना इस बात को, क्योंकि फिर कहोगे आपने पहले कैप्टन बनाने रखने के लिए नहीं बोला, बाद में आपने कैप्टन बनाने के बोल दिया। ठीक है, एक टीम आपने बनाई उसमें इमरान ताहिर आपने रखा, ठीक है, और इसमें केनल लेविस भी रखा, दोनों रख लिए। ठीक है, एक टीम आपने बनाई उसमें इमरान ताहिर भी रखा, केनल लेविस भी रखे, दोनों रख लिए। ठीक है,
अब इसमें करना क्या है, एक टीम आपकी ये रहेगी जिसमें आपका ये इमरान ताहिर कुछ भी नहीं होगा, और एक टीम होगी जिसमें केन लेविस आपका कैप्टन होगा, और एक टीम होगी जिसमें आपका इमरान ताहिर कैप्टन होगा, और एक टीम होगी केन लेविस कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये लॉजिक बता रहा हूं आपको। ठीक है, यहां पे होगा क्या, अगर यहां पे चले गया केन लेविस, अगर मान लो 25-30 रन मार गया, ड्रीम टीम का हिस्सा बन गया, निकोलस पुरन फ्लॉप गया, ठीक है, तो आपका ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, अगर यहां पे इमरान ताहिर, लास्ट मैच आपने देखा होगा फ्लॉप गया, विकेट मिली नहीं है, ठीक है, तो इस मैच में अगर इमरान ताहिर, अगर इनकी टीम पहले बैट बॉलिंग करती है, स्पेशली ग्वेने की टीम अगर पहले बॉलिंग करेगी, तो ये लॉजिक जरूर ट्राएगा ना इनका, इमरान ताहिर का, क्योंकि भाई मैकेंजी हो गए, हैदर अली हो गए, ये तो फ्लॉप उसके बाद मेरे हिसाब से हो नहीं है। अगर इमरान ताहिर ने ऐसे विकेट निकालनी स्टार्ट कर दी और लेविस और इनको ले गया, तो भाई विकेट कम से कम इमरान ताहिर को आज कम से कम 3 विकेट बड़े प्यार से मिल सकते हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद रमन पवल और समरा ब्रुक, एक टीम में रमन पवल को रख लेना, एक टीम में समरा ब्रुक को रख लेना, और दोनों को एक साथ रखने की गलती भाई मत करना, मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, एंडरसन है, ब्रैथवेट है, दोनों के दोनों आज काफी इंपॉर्टेंट चॉइस आज के मैच के लिए रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे प्रिटिस का, मेरे साथ तो इनको आज कैप्टन वाइस कैप्टन ज्यादा ट्राई ना करो तो फायदे में रहोगे। ठीक है, ये इनकी ट्रिक है, मैंने आपको बता दिया कैसे आपको ट्राई करनी, इन तीनों को कब लेके चलना, जब इनकी टीम पहले बैटिंग करेगी। ठीक है, वो भी उस टीम में जिस टीम में आप इनको अलाउड कर रहे हो, समझ रहे हो बात को, समझ लेना अच्छे से। ठीक है, जिस टीम में इनको तीनों को रखोगे उसमें आप इनकी टीम को अलाउड कराओगे। अगर यहाँ पे केन लेविस को आप जिस टीम में कैप्टन बना रहे हो, उस टीम में आपका नवीन उल हक कोई काम नहीं बनता, जी मोटी, इन दोनों में से किसी एक का काम नहीं बनता। ठीक है, किसी एक टीम में जी मोटी को रखोगे, जिस टीम में जी मोटी और इमरान ताहिर को रखोगे उसमें नवीन उल हक को मत रखना, अगर आप इनको कैप्टन बना रहे हो तो। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी गाइस, थोड़ा उम्मीद करता हूँ काफी अच्छी समझ में आ चुकी होगी, पूरा डिटेल में आपको समझाया, कुछ चीज रह गई हो तो कमेंट कर देना भाई, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो भाई कर दो, और चैनल मतलब वीडियो लाइक नहीं करी तो वीडियो लाइक जरूर कर देना। कैप्टन वाइस कैप्टन ब्रेंडन किन, हेमराज, ओडिन स्मिथ, इमरान ताहिर, और यहाँ पे केन लेविस आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और किस तरह से किसको यूज करना वो भी आपको बता चुका हूँ, और इमाद हुसैन को भाई आज नजर में रख लेना। ठीक है, इस बंदे को भूलना मत, ठीक है, कि भाई भूल जाओ किसी काम का प्लेयर नहीं, ऐसा मत करना। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चॉइस आपकी रहने वाली है ये भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यार काफी कुछ आपको मैंने समझाया, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर देना, बाकी चैनल तक रहता था सब्सक्राइब नहीं किया अब तो कर ही लो भाई। ठीक है, बाकी फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं शाम को टॉस के बाद, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।